पार्टी पे भरोसा नहीं रहा, जैसे जैसे उनका भरोसा जनता का उनमें घट रहा है, उनका ईवीएम में घट रहा है। जहां जीत जाते हैं वहां मौन हो जाते हैं, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब है। और दिग्विजय सिंह को तो प्रारंभ से ही सर्जिकल स्ट्राइक किया, सेना ने घुस के तो सेना खराब, केस हार गए तो न्यायालय खराब, चुनाव हार गए तो ईवीएम खराब, राम मंदिर का शिलान्यास किया तो तारीख खराब, और कोरोना की वैक्सीन आ गई तो वैज्ञानिक खराब। नगर निगम भोपाल में जो सीमावर्ती जिले हैं, अमरावती हो गया, अकोला हो गया, यवतमाल हो गया, वहाँ पे कोरोना का बड़ा भयंकर प्रकोप हुआ है, तो क्या मध्य प्रदेश की सीमाएं सील करने की कुछ योजना है? बालाघाट मध्य प्रदेश की सीमाओं पर अलर्ट कर दिया है। 12 जिले हमारे ऐसे हैं जहाँ हमने अलर्ट किया है। थर्मल स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य परीक्षण के बिना अभी आने जाने को देखा जा रहा है। जहां तक सवाल नाइट लॉकडाउन का है, जनता को उसके प्रति आगाह और अलर्ट करने के दृष्टि से ऐसा तय किया है कि कल होने वाली बैठक में नाइट कर्फ्यू पर हम विचार करेंगे। खासकर भोपाल और इंदौर जैसे शहर जो हैं, जहां पहले कोरोना ने बड़ी संख्या में दस्तक दी थी, और जो बॉर्डर के जिले हैं वहां कल तय होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकों में इस बारे में जो राय आएगी प्रदेश को, उसके बाद तय कर देंगे कल। घायल जनता ने किया है, और शेरनिया जो भी कहा है उनने, वो इसीलिए कहा होगा कि पूरे पश्चिम बंगाल का विकास खा गई, 134 भाजपा के कार्यकर्ता खा गई, तो स्वाभाविक रूप से जिनके मुंह खून लगा होता है वो ऐसे ही जानवर से तुलना करते हैं। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल परिसर ही है जिसके अंदर मोदी जी का स्टेडियम है। मोदी जी ने प्रारंभ से ही अपने आप को सरदार पटेल में समाहित किया हुआ है, इसलिए उस परिसर के साथ ही उसका उद्देश्य भी समझ में आता है कि मोदी जी और पटेल एक ही हैं।